Okay. Good evening to all of you. Roshni, good evening. Good evening, sir. सभी लोग अपना वीडियो को स्टार्ट कर लें. रोज रोज मैं क्यों बोलूं? दर रोज की बात नहीं है ये. ओके. तो मैं ब्रीफली रिवाइज करता हूं और बीच बीच में क्वेश्चन पूछता हूं. रितिका प्रसाद वीडियो विधि वीडियो. ओके. देखिए, आई स्टार्टेड विद द चैप्टर ऑफ ऑसिलेशंस. इन दैट आई टोल्ड यू व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ एसएचएम. लेट मी बिगिन आस्किंग आलोक गुप्ता, व्हाट इज मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ एसएचएम? आलोक गुप्ता. हाय यस सर. द एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड एफ इक्वल टू माइनस के एक्स. लवली आंसर आलोक, बहुत अच्छा आंसर. के क्या है रितिका प्रसाद? के क्या है सर? कांस्टेंट. व्हिच कांस्टेंट? बोन्स कांस्टेंट. दैट्स राइट. एंड उष्णा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट? उष्णा न्यूटन पर मीटर. न्यूटन पर मीटर. ओके. इसके बाद में हमने ये देख क्या सर, कोनन विल जॉइन 2 मिनट्स लेट. नहीं उसको नहीं, मैं मेरी बंद कराना मीटिंग ना, अब वो कभी भी सुधरेगी नहीं वो. ओके. न्यूटन पर मीटर. देन मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने सब डेफिनेशन ली थी, मुझे एक कैरेक्टरिस्टिक्स कोई बताएगा? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एट एक्सट्रीम पोजीशन? उसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? प्रिशा शेट्टी, यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है वो हम लोग कैसे लिखते हैं? एट व्हाट समथिंग हैपेंस? प्रिशा शेट्टी. हाँ बोल. यस प्रिशा, व्हाट हैपेंस इन द एक्सट्रीम पोजीशन? पार्टिकल को कुछ होता है ऐसा, उसका मैंने मैथमेटिकल इक्वेशन लिखाया था. व्हाट इज दैट इक्वेशन प्रिशा शेट्टी? अच्छा प्रिशा नहीं बोल पा रही है, चलो ठीक है. आई वुड लाइक टू आस्क रोशनी. रोशनी, व्हाट वी राइट एट द एक्सट्रीम पोजीशन के लिए? समथिंग एट एट समथिंग समथिंग हैपेंस ओनली एट एक्सट्रीम पोजीशन. सर, एट एक्सट्रीम पॉइंट द वैल्यू ऑफ एक्स इज प्लस माइनस ए. हां, एंड व्हाट इज व्हाट हैपेंस एट एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस ए? इट गोस टू 0. What is zero? V is equals to 0. Lovely answer, best answer. Prisha, I was expecting this answer from you. Prisha, please give me answer. I don't like when you don't give me answer. Then we've seen differential equation of SHM. Mark Sheikh, what is differential equation of SHM? Batao Mark Sheikh. Mark Sheikh. Yes, sir. Ball, differential equation, ball. अरे यार आना चाहिए बेटा आंसर. I don't like, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सब आंसर दो तो मजा आएगा पढ़ाने में. विधि, विधि भट्ट. सर, d square x upon dt square plus k upon m into x equals to 0. That's right. Lovely answer. Okay. I would like to ask Ritika Prasad, omega square kiske badle likha tha humne? K upon m. That's right. Ab mujhe batao, 8:04 ho gaye na, matlab 4 minute ho gaye. I am locking the meeting. Kya pata kya hai bacche logo ko. तुम लोग के दूसरे ग्रुप की वो क्या बोलते हैं, वो है एडमिन है और वो काम नहीं करती बराबर से खुद ही. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन? ओमकार तो आज फर्स्ट डे है, उसको अब नहीं पूछेंगे, ओमकार धीरे धीरे आंसर देगा बाद में. जितेंद्र जी तो बोल. नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स. ओके. आसिफ, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ, आसिफ बोलेगा मेरे को पूछते ही नहीं है सर. आसिफ, वेलोसिटी इक्वेशन.
V equal to Asif. Sir, can I? No, Asif ko puch raha hu. Kidhar hai? Gayab hai wo. Asif. Asif, Raja Sayyad. Everyone, yes sir. अरे बोलना यस सर क्यों टू एवरीवन यस सर माइक ओके देखो इसका रिकॉर्ड इतना अच्छा है ना कि आई कैन ऑलवेज बिलीव आसिफ रजा बट नॉट टू एनी अदर स्टूडेंट ये वाली स्टाइल यूज मत करना आई एम टेलिंग यू हां आसिफ बोल वेलोसिटी इक्वल टू सर प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बहुत अच्छा आंसर है आई रियली लव दिस आंसर और मुझे अब ओम मिस्त्री डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन x इक्वल टू बता जल्दी x x इक्वल्स टू a sin इन द ब्रैकेट ओमेगा t प्लस डेल्टा दैट्स राइट बहुत अच्छा बहुत प्यारा आंसर है आई लव्ड इट जितेंद्र व्हाट इज mx मैग्नीट्यूड ऑफ mx का आंसर क्या है vmx का आंसर क्या है दोनों का आंसर बोल जितेंद्र So, Amx का आंसर है सर प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए और सर Vmax का सर आंसर है प्लस माइनस ओमेगा ए ओके वेट लेट मी आस्क माज ने एक आंसर नहीं दिया अस्का Fmax क्या है अस्का शेख अस्का से भी आंसर लेना हाँ बोल के दैट्स राइट वेरी गुड बहुत अच्छा उसके बाद में हम लोग कर रहे थे फेज ऑफ एक्सटेंशन मैंने बताया x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा इसमें क्वांटिटी ओमेगा t प्लस डेल्टा डिनोटेड एज फाई इज कॉल्ड फेज एंड इट रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ वाइब्रेशन मींस पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन फिर हम लोग कर रहे थे व्हाट इज इनिशियल फेज फेज एट द स्टार्ट इज कॉल्ड इनिशियल फेज मतलब और क्वांटिटी व्हिच गिव्स स्टेट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल एट द स्टार्ट इज कॉल्ड एज तो फाई का फॉर्मूला है ओमेगा t प्लस डेल्टा At t equal to zero. Initial phase का दूसरा नाम भूलना नहीं initial phase का दूसरा नाम है epoch. Epoch. At t equal to zero, anybody can tell me what will I write? Phi at t equal to zero. क्या लिखूं? What is the answer? If I put t equal to zero here, what will be phi zero? इधर से देखते हैं. Delta. This delta is called as initial phase or epoch. इनिशियल फेज और एपोक ओके ना मैं बदलता हूँ एक्स का फॉर्मूला इसके डेल्टा की वैल्यूज होगी वो मैं लर्न बाय हार्ट कराऊंगा अभी का अभी और मुझे आंसर देना है आपको कि सर आपने ये बोला ये आंसर ये बोला ये आंसर इसलिए अभी ध्यान से सुनो आई एम गोइंग टू आस्क मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ इसलिए बी केयरफुल मैं हर चीज में मैं पूछने वाला हूँ इसलिए कॉलिंग भाग जाते बोलते स्टार्टिंग में सर क्वेश्चन पूछते थोड़ा लेट ही जाओ तो क्वेश्चन निकल गए होंगे उसके बाद में एंट्री मारूंगी इस टाइम में क्या पता 10 बजे तो भी लेट 11 बजे तो भी लेट कोई भी टाइम रखो लेट तुम लोग के ग्रुप की एडमिन है जरा पूछो उसको ऐसा क्यों कर रही है वो देखो डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल टू व्हाट ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा एट टी इक्वल टू जीरो x equal to x0. Remember, x0 can be 0, x0 can be plus a, x0 can be minus a, x0 can be anything. So if I put t equal to 0, I'll write x0 equal to a sine delta because t is 0. So sine omega t plus delta becomes sine delta. Therefore, sine delta equal to x0 by a. And therefore, delta equal to sine inverse of x0 by a. A mathematics t Do you know what is sine inverse of 0? Anyone? Sine inverse of 1 and sine inverse of minus 1 koi batayega mujhe? Please. What is sine inverse of 0? Jiski maths achhi ho batayega. Sine inverse of 0 is 90 degree. That is 0. Sir, aapne PDF send nahi kiya jo aap abhi sikha rahe usko. Kiska? Sir, PDF is jo bhi aap matlab sikha rahe ho na usko. अच्छा नहीं क्या मैं इमीडिएटली लेक्चर के बाद भेज देता हूँ ठीक है सर ओके श्योर मैं आई व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ 1 पाई बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1 3 पाई बाय 2 और
माइनस पाई बाय टू, ये वैल्यूज आपको मैथमेटिक्स से याद रखनी है। और जीतो आप तो बहुत चलो ठीक है, एटलीस्ट ट्राई तो करते हो आप, आई लाइक दैट। साइन और सब जीरो, मतलब साइन जीरो इज जीरो, साइन पाई बाय टू इज वन, साइन थ्री पाई बाय टू और साइन ऑफ माइनस पाई बाय टू इज माइनस वन। बेसिकली ये फॉर्मूले से कैसे आया, बिकॉज वी नो साइन जीरो इज जीरो, साइन पाई बाय टू इज वन, साइन ऑफ माइनस पाई बाय टू इज माइनस वन। ये वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है। अब है ना, सपोज पहली बार जीतू गया, जीतू नहीं अफीफ, सपोज ये पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजिशन, स्टार्ट from mean position. Anybody can tell me what is x0 equal to? अगर mean position से start करता है तो x0 क्या होगा? x0? Zero. That's right. Who was that? आवाज में नहीं पहचान पाया. Sine roots of 0 upon a and that is equal to sine inverse of 0. Vaishnavi, what is sine inverse of zero? Vaishnavi. I think Vaishnavi nahi hai. Jitu, what is sine inverse of zero? Zero. That is right. That means ek equation maybe if the particle start from mean position, delta is zero. Delta is zero if the particle. Ye mera question hoga. मैं से बोलूंगा चलो पार्टिकल ने मीन पोजीशन से स्टार्ट किया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा, आपको बोलने का जीरो है सर, राइट? नाउ इफ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम राइट एक्सट्रीम, एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट विल बी x0, लेट मी आस्क मुर्तजा, अगर पार्टिकल राइट एक्सट्रीम से स्टार्ट करते हैं तो x0 की वैल्यू क्या होगी मुर्तजा? ऐसा व्हाट इज x0? ओके मुर्तजा को नहीं बन, अरे पार्टिकल अगर यहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ से स्टार्टिंग में वहां पे है तो व्हाट इज एक्स का वैल्यू वहां पे? वैष्णवी नहीं आज, ओके अभी व्हाट इज x0? प्लस ए, दैट इज राइट, इफ आई पुट x0 के बदले प्लस ए यहाँ पे तो डेल्टा विल बी व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ प्लस ए अपॉन ए व्हिच इज 1, तो डेल्टा इज पाई बाय 2। मतलब अगर पार्टिकल ने राइट एक्सट्रीम से स्टार्ट किया तो डेल्टा की वैल्यू है पाई बाय 2। अब अगर लेफ्ट एक्सट्रीम से स्टार्ट किया, इफ स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट एक्सट्रीम, टेल मी व्हाट इज x0? अभी ये तो आंसर आना चाहिए, आई वुड लाइक टू आस्क विद दी बट, हां हु सेड माइनस ए? माइनस ए कौन बोला? राइट आंसर है हूएवर सेड दैट, आई डोंट नो किसकी आवाज थी, रीशा कौन और 3π/2, तो डेल्टा इज -π/2 और डेल्टा इज 3π/2। ये आपको वैल्यू ध्यान रखनी है, एक बार फिर से मैं आपके सामने रिपीट करता हूँ, आई एम गोइंग टू आस्क, देखो यहाँ देखो हमको इनिशियल डेल्टा की स्टैंडर्ड वैल्यू हमको देखनी है, वी नो एक्चुअल ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेट एट टी इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू x0, x0 मींस इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस हियर x के बदले मैं लिखूंगा x0, a के बदले a, t के बदले 0, तो x0 इक्वल टू a साइन डेल्टा, देखो साइन डेल्टा विल बी x0 अपॉन a, डेल्टा विल बी साइन इनवर्स ऑफ x0 अपॉन a। अब पहली बार सपोज अफीफ गया, उसने जब देखा वहां पे तो पार्टिकल मीन पोजीशन पे था, स्टार्टिंग में जैसे ही देखा तो फॉर हिम x0 डेल्टा विल बी साइन इनवर्स ऑफ x0 अपॉन a यानी 0 व्हिच इज 0, दैट मींस डेल्टा वैल्यू 0 इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एमपी का मतलब मार्च, एमपी का मतलब क्या मार्च 1, अरे नहीं आता है तो ना बोल कि सर आई डोंट नो, कीपिंग क्वाइट इज मेन पोजीशन मीन, हां हां क्या नहीं आ रहा आपको, मीन पोजीशन उसको बोलते हैं मीन पोजीशन, ओके नाउ इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम राइट एक्सट्रीम x0 विल बी प्लस ए, इधर प्लस ए अपॉन प्लस ए करेंगे a करेंगे तो 1 आएगा व्हिच इज पाई बाय 2, मतलब अगर पार्टिकल ने राइट एक्सट्रीम से स्टार्ट किया तो डेल्टा की वैल्यू पाई बाय 2,
और अगर लेफ्ट एक्सट्रिंसिक करंट है तो x0 इज माइनस है तो sin ऑफ माइनस है अपॉन a यानी sin ऑफ माइनस 1 माइनस पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2। मेरे क्वेश्चन क्या होंगे मालूम है, मैं बोलूंगा चलो बताओ मुझे डेल्टा के वैल्यू क्या है, द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम राइट एक्सट्रीम तो बोलने का सर पाई बाई 2, मैं बोलूंगा लेफ्ट एक्सट्रीम तो बोलने का सर आइदर इट इज माइनस पाई बाई 2 और इट इज 3 पाई बाई 2, मैं बोलूंगा फ्रॉम मीन पोजिशन तो आप बोलेंगे सर इट इज 0 इट इज 0। इस तरह से मुझे आंसर चाहिए, मुझे आंसर इस तरह से चाहिए, इज दैट क्लियर? वैष्णवी आज नहीं है, मेरा बार बार नाम आ रहा है वैष्णवी का। ओके मुझे आंसर देगा देगी अश्का, अश्का यस सर मुझे बता तीन वैल्यूज कौन कौन सी और कब कब होती है वो वैल्यू, खाली उतना बताओ। डेल्टा की एट मेन पोजीशन डेल्टा इज 0 एट आई गेस एट राइट एक्सट्रीम इट इज पाई बाय 2 एंड लेफ्ट एक्सट्रीम इट इज either pi minus pi by 2 or 3 pi by 2। Lovely answer, बहुत अच्छा answer है, बहुत अच्छा answer है, बहुत प्यारा answer है। Let us proceed further, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है, अगर कोई आपको बोले कि भाई मैं equation of displacement दे रहा हूँ x equal to a sin omega t plus delta, उसको दे दिया आपको और बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आप बोलेंगे सर क्या है ये सर, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा, देखो बच्चे लोग हमने क्या किया था मालूम है, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट किया था, फिर हमको ए मिला था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, फिर हमको वी मिला था प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर हमको x मिला था a sin omega t plus delta। बोलेंगे हाँ सर ये हमने किया, फिर वापस क्यों करते हो, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, हमने ये दे दिया आपको पहले से इसको इक्वेशन वन और बोला आप a और v की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब बोलेंगे सर टाइम का क्या लग रहा है, मैं आपको समझाता हूँ, मैं बोलूंगा फाइंड एक्सेलरेशन आफ्टर थ्री एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, अब बोलेंगे सर इधर से तो ओमेगा मालूम है x के बदले 3 सेंटीमीटर डाल देंगे और आंसर मिल जाएगा, तो बोलेंगे नहीं नहीं मैं चेंज कर रहा हूं आई वांट आफ्टर 3 सेकंड, अब एक्सीलरेशन की इक्वेशन बोलेंगे सर सेकंड को छोड़ दो ना सर डिस्टेंस में बताओ ना प्लीज, तो बोलेंगे नो आई वांट सेकंड, मतलब वी वांट एक्सीलरेशन का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, वी वांट एक्सीलरेशन का सम इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, वेलोसिटी का सम इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, मुझे वेलोसिटी बोलूंगा ना चल 3 सेंटीमीटर पे निकाल तो आप इस x के बदले 3 सेंटीमीटर डालेंगे और b का आंसर मिलेगा, बोले नहीं आफ्टर 3 सेकंड निकल तो गड़बड़ चालू हो जाएगा, बोले अभी मैं करूं तो क्या करूं तो मैं क्या करूं, तो ये इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग वेलोसिटी एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में तो यही आंसर लाना है हमको, यही दो आंसर आएंगे लेकिन हमको स्टार्ट यहां से करना और दो नए इक्वेशन निकाल लें a इन टर्म्स ऑफ t एंड b इन टर्म्स ऑफ t, इन टर्म्स ऑफ x भी निकालना है a इन टर्म्स ऑफ x, ये दो इक्वेशन भी डिराइव करने बट स्टार्ट फ्रॉम हियर, लेट अस सी हाउ टू डू इट, देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे हम लोग, खाली इसमें है ना मुझे एक जरूरत है आपकी, जो मैथ्स वाले नहीं है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जो मैथ्स लिया है उनको डेरिवेटिव का नॉलेज है, लेट मी आस्क यू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन x और साइन t, क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ साइन t विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अपने मन से बोलो derivative of sin t, sin x is cos x, sin t will be cos t, okay कोई मुझे बताएगा what is derivative of sin 2t, अगर याद होगा तो ठीक है नहीं तो क्या wrong answer चलेगा no punishment, ओम मिस्त्री what is derivative of sin 2t, ओम मिस्त्री सर sin 2t क्या है बेटा cos 2t, that is right, और भी incomplete answer है और भी आएगा कुछ sir 2 cos 2t, that is right, who was that बाप रे जीतू कमाल कर दिया, चल mi of a solid sphere बता दे जल्दी, mi of a solid sphere is 2 by 5 mr square and mi of a rod sir mi of a rod
सर जो सेंटर वाली या फिर सर जो एक्सिस वाली सेंटर वाली सर सेंटर वाली एम एल स्क्वायर बाय टू 12 और एंड वाली एंड वाली एम एल स्क्वायर अपॉन 3 ग्रेट फाइनली यू आर पिकिंग अप बहुत अच्छा अबे ना ये जो है ना उसका यूज कर रहा हूँ इधर देखो x इक्वल टू ये दिया है अब हम क्या करेंगे अभी लिख देता हूँ एक बार सो दैट यू नो सिंस x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा कॉल दैट इक्वेशन 1 नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी इज dx बाय dt दैट इज d बाय dt ऑफ x x के बदले a sin omega t plus delta and therefore इसका derivative आप मैं सिखा पाएंगे आपको मैथ का जिन्होंने मैथ नहीं लिया वो रट्टा मारने के लिए फॉर्मूला और जो मैथ लिया है उनको पता चलेगा कैसे आया ये आंसर तो v equal to omega a cos omega t plus delta this equation number 2 is the equation of velocity in terms of time देखो अगर मैं बोलूंगा after 3 second तो हम बोलेंगे ठीक है टीका बोले 3 डालो पट 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 कैलकुलेशन करके आंसर ऑफ भी निकालो क्योंकि ये वाला आंसर v इन टर्म्स ऑफ टाइम दिस इज v इन टर्म्स ऑफ मेरा क्वेश्चन होगा ना चलो v इन टर्म्स ऑफ x आंसर बताओ तो आप बोलने का प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बोलूंगा ना v इन टर्म्स ऑफ t बताओ तो बोलने का v इक्वल टू क्या बोलने का v इक्वल टू ओमेगा a cos ओमेगा t प्लस डेल्टा दो आंसर देने लेट मी चेक मुर्तजा ने कोई आंसर नहीं दिया मुर्तजा अरे ओ मुर्तजा अरे जरा सामने का v in terms of x and v in terms of t दोनों आंसर दे सो v in terms of t is omega a cos t omega t plus delta and In terms of x plus plus minus omega under root a square minus x square. आप क्या बोल रहे हो मालूम है आंसर है लेकिन v equal to बोलो ना सामने. That's right answer. लेकिन v equal to के साथ. Now differentiating again with respect to time. So what is acceleration? dv by dt. That is d by dt of v. v के बदले ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा अब इसको डेरिवेटिव कैसे करने का कॉस का माइनस साइन आता है तो वो ध्यान में रखें माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ये रट्टा मारना है आपको दिस इज इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम अब सुनो मैं जैसे मुर्तजा को पूछा था ऐसे ही पूछने वाला हूँ अगर मैं बोलो कम ऑन टेल मी एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो आपको बोलने का माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स मैं बोलूंगा नो आई वांट एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम तो आपको बोलने का a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t इसको याद रखने का मेथड क्या बोलूं मैं x के बदले उठा के ये रख दो a साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा खत्म तो अब मैं पूछ रहा हूँ मार्क शेक ओ मार्क शेक सब वो लाइट का रिफ्लेक्शन थोड़ा पड़ रहा था ऊपर क्या लाइट आ रही है बंद व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड नहीं है व्हाइट बोर्ड है बच्चों हां सर सॉरी सर व्हाइट बोर्ड ठीक है मेरे मुंह से भी ब्लैक बोर्ड निकलता है देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर सच मिस्टेक लेकिन आंसर फिजिक्स के मिस्टेक आई विल नॉट टॉलरेट ओके मार्क शेख यस सर हेलो मार्क शेख एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों बोल सर इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हां माइनस हां एंड इन टर्म ऑफ टाइम ए हां इन साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा क्या क्या वापस बोल क्या सर इन टर्म ऑफ टाइम साइन ओमेगा इनटू टी प्लस प्लस अरे देख के बोल दे यार ए इक्वल टू पहले तो तुम लोग ए क्यों नहीं बोलते मालूम नहीं ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा बोल ए इन टर्म्स ऑफ टाइम वापस बोल सर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन अरे ए इक्वल टू
a equal to minus omega square a sin omega into t plus delta. That is right. A equal to क्यों नहीं बोल रहा? मुर्तजा भी equal to नहीं बोल रहा है. A equal to वो भी right hand side खाली बोल रहा है. I don't like that. Okay, now we'll derive. मैं वापस जरा पूछता हूँ. Let me ask Alok Gupta. Alok Gupta. Velocity in terms of time and velocity in terms of displacement. V equal to say start karna. Yes, sir. So V is equal to minus omega square x. V is equal. क्या? Sir, acceleration displacement बोले ना. मैं velocity पूछ रहा हूँ. सुनाई नहीं देते? So velocity or in terms of time. अरे सामने देखना व्हाइट बोर्ड पे देख के बोल. वही तो बोला सर. सर a is equals to minus omega. अरे v equal to पूछ रहा हूँ तो मैं वेलोसिटी पूछ रहा हूँ तो मैं एक्सेलरेशन आंसर दे रहे हो बेवकूफ. अरे वेलोसिटी का आंसर दे. अच्छा v is equals to minus omega square a sin omega t plus delta. चलो जाने दो. अच्छा हाँ सर तो वेलोसिटी ओमेगा ए कॉस डेल्टा. आई बिकम मैड टीचिंग यू. ओके नाउ यू नो बी इन टर्म्स ऑफ एक्स. तुम लोग मतलब ये बोल रहे हो हम लोग को पूछो मत. वो दो चार स्टूडेंट को सिलेक्टेड स्टूडेंट को पूछो. डोंट बॉदर अस अननेसेसरीली. तो देखो वी इन टर्म्स ऑफ एक्स करना है तो टेल मी फ्रॉम वन कैरेट एक्स अपॉन ए equal to sine omega t plus delta and from 2 caret v upon omega a equal to cos omega t plus delta squaring and adding. इसको square कर रहा हूँ इसको square कर रहा हूँ और add कर रहा हूँ तो मुझे add मिलेगा answer x square upon a square plus b square upon omega square a square equal to sin square omega t plus delta plus cos square omega t plus delta. What is the answer of addition of these two? What should I write? One. Multiply throughout by omega square a square. मुझे b को लाना है ना आंसर. पहले हर एक टर्म को omega square a square से मल्टीप्लाई करता हूँ. तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर आएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्योंकि ए स्क्वायर विल गेट कैंसिल. इधर आएगा सिर्फ वी स्क्वायर और इधर आएगा वन इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर विल बी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एंड देयरफॉर वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड देयरफॉर वी इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. This is the answer of velocity in terms of displacement, which we already know. So upper का नहीं दिख रहा है. क्या? So upper का नहीं दिख रहा है. V in terms of फिर आगे नहीं दिख रहा है. X V in terms of X है. एक मिनट जरा मैं इसको मेरे को ऐसा पूरा हिल जाएगा. V in terms of X. Right. Now A in terms of X. Now from 3. एक्चुअली थ्री वापस लिखता हूँ मैं. ए इक्वल टू ये वाला इक्वेशन में वापस लिख रहा हूँ. ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन एंड यू नो ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा क्या है पता है? फ्रॉम इक्वेशन वन ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा इज एक्स देयरफॉर ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम यूजिंग वन फ्रॉम वन. तो इस तरह से मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ पूरा ये आपके सामने जो लिखा है. तुम लोग को मैं बताता हूँ कि ये बोलना है आपको वेलोसिटी इक्वल टू और फिर मैं पूछता हूँ बोल तो अटक जाते हो पूरा उधर ही बैठ जाते हो खाली. मतलब ये दिखा के मैं पूछ रहा हूँ तो उतने में भी याद नहीं रहता है आपको. आई डोंट लाइक दिस. चलो ओके नाउ वी आर गिवन एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा डिस्टेंस डेल्टा इक्वेशन वन करके और हमको बोला है फाइंड इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी and acceleration in terms of time and in terms of displacement. तो हम लोग ने इसको बोल दिया equation number one. इसको differentiate किया with respect to time
तो v को v को तो dx by dt that is d by dt of x, x के बदले हमने लिखा a sin omega t plus delta. इसका डेरिवेटिव मैथ्स वाले कर पाएंगे, बाकी लोग लर्न बाय हार्ट करके इक्वेशन निकाल ला. दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम. अगर मैं ऐसा पूछूं ना, गिव मी आंसर ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो आपको बोलना है v इक्वल टू ओमेगा a cos ओमेगा t plus delta. आपको a से स्टार्ट नहीं करना है. ये वाला फॉर्मूला तो बोलूंगा, अगर मैं बोलूंगा गिव मी आंसर ऑफ एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो आपको a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x बोलना है. Okay, now we want to get acceleration curve formula in terms of time. So a equal to dv by dt, that is d by dt of v. V के बदले ये लिखेंगे आप लोग. And you know acceleration का ये answer maths वालों को आएगा कैसे कर रहे हैं, बाकी लोग इसको learn by heart करेंगे. Equation number 3. अगर मैं बोलूँगा give me acceleration equation in terms of time, तो आपको a equal to ये सब बोलना है. Let me check. आलोक गुप्ता एक बार फिर से मैं तुम्हारे पास ही आता हूँ. आलोक, आलोक गुप्ता. माइनस ओमेगा स्क्वायर. हाँ सर, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा. Now, v in terms of x से हम लोग ने क्या किया, from 1, x upon a equal to sin omega t plus delta. From 2, v upon omega a equal to cos omega t plus delta. Squaring and adding, मतलब इसका square plus इसका square equal to इसका square which is 1. Multiply throughout by omega square a square. तो क्या आएगा, omega square x square plus v square equal to omega square a square. तो v square equal to omega square into bracket a square minus x square. तो v equal to plus minus omega root of a square minus x square. ये आंसर है, ये किसका आंसर है, क्वेश्चन क्या होगा कि ये आंसर है. जितेंद्र, जीतू, ये आंसर कब बोलने का, कौन सा क्वेश्चन पूछू मैं. तो v in terms of time होगा, तो v in terms of x, ए भगवान. अरे इधर x दिख रहा है, ये रहा x दिख रहा है, तो v in terms of x. तुम लोग पूरा कॉमेडी शो लगा के रखे हो. ओके, नाउ a in terms of x, ये फॉर्मूला मैं एक बार फिर से लिखता हूँ. और इधर a sin omega t plus delta के बदले using equation 1 and writing x equal to minus omega square x, that's the answer. जाने तो नहीं पूछता हूँ मैं, बहुत मेरे को फ्रस्ट्रेशन होता है तुम लोग आंसर नहीं देते हो ना. पहले तो कितना बोलता हूँ, v इक्वल टू बोलो, a इक्वल टू बोलो, राइट हैंड साइड ही चालू करते हैं. अरे इक्वेशन में इक्वल टू के पहले लेफ्ट वाला पार्ट, राइट हैंड वाले दोनों पार्ट बोलो ना. बहुत डर लगता है अभी तो मेरे को पूछते हुए, जाने दो. चलो ये समझ में आया सभी को, मैं नोट्स भेजता हूँ बाद में. नाउ वी विल डू अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट. तुम लोग मिलके से डिसाइड करो आंसर देने का, ही सर को तो सर क्वेश्चन पूछना बंद कर दिए, बोलेंगे जाने दे यार अपने को कितना फ्रस्ट्रेशन, बोलेंगे सर को इतना सताने का ना कि सर बाद में बोलेंगे बाप रे क्वेश्चन पूछने से ही डर लगे उनको. ये सिचुएशन ले आओ तुम लोग. ओके, नाउ वी डू कंपोजिशन ऑफ टू SHM. कंपोजिशन ऑफ टू SHM बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है. दिख रहा है ना, हाँ, टू SHM. सपोज दो SHM का जब आपस में मिलन होता है तो क्या होता है, दैट इज व्हाट इज द क्वेश्चन. दो SHM है, सपोज पहला SHM है x1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा 1. सेकेंड इक्वेशन है x2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा 2. सपोज ये दो SHM थे जिनका एम्पलीट्यूड अलग अलग, जुदा जुदा, जिनका इनिशियल फेज जुदा जुदा. इनिशियल फेज का दूसरा नाम क्या है उसका, उसका इनिशियल फेज का दूसरा नाम
Om Mistry. I don't remember. Om Mistry. Initial phase ka dusra naam? Don't know. Don't know. Okay. Ritika Prasad. I don't know. It is also called as epoch. नए बच्चे को पूछ ही लेता हूं. ओमकार, ओमकार से यस. ओमकार, ओमकार है कि नहीं? सर नहीं है. नहीं है, आया तो था, मैंने उसका नाम देखा था. ओके ओके, तो ये दोनों एसएचएम का जब आपस में मिलन होता है तो एक्स इज द रिजल्टेंट एसएचएम एंड दैट इज लेट अस से एक्स वन प्लस एक्स टू एंड दैट इज इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा वन प्लस ए टू साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा टू. कल सुबह पता है ना, कल सुबह 8:30 है मेरा लेक्चर. ऑल ऑफ यू नो कल मॉर्निंग में 8:30 है. तो ये अच्छा आप मुझे बताइए, क्या आपको ये फॉर्मूला पता है साइन ए प्लस बी? एनीवन नोस? दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. पता है ये फॉर्मूला क्या लेता है? सपोज यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट होता है के, तो आंसर क्या आता है? के इधर भी आता है, के इधर भी आता. तो ये ध्यान में रखिए, लेट अस एक्सपांड साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये इक्वल टू है. क्या लिखो इधर? दैट इज इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा वन प्लस ए वन. क्या लिखू बताओ जरा कोई? सब बोलेंगे सर लिखो ना, आप चुपचाप कह के लिए आप बोलते हो कोई बताओ बताओ, अपने आप लिखते जाओ, बिना बात परेशान करते हो आप सुबह सुबह आके. ए टू साइन ओमेगा टी, क्या लिखो इसके बाद? क्या लिखो? कॉस अल्फा टू. कॉस अल्फा नहीं है बेटा, कॉस डेल्टा टू प्लस ए टू. अबे ना आइडिया क्या है मालूम है? इसका एक्सपेंशन और इसका एक्सपेंशन बराबर एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखो, तो एडिशन के टाइम पे ना आपको पता चलेगा क्या है कॉमन. देखो यहाँ पे ये है कॉमन और यहाँ पे है ये है कॉमन, तो ये कॉमन लेंगे. सपोज साइन ओमेगा टी कॉमन लिया यहाँ, तो क्या आएगा अंदर? आएगा ए वन कॉस डेल्टा वन प्लस ए वन साइन डेल्टा वन. नहीं, ए वन कॉस साइन ओमेगा टी, तो ए वन कॉस डेल्टा वन प्लस ए टू कॉस डेल्टा टू. अब यहां पे क्या कॉमन लू? मैंने ऑलरेडी रेड डॉटेड लाइन बताई है, कोई बताएगा मुझे? कॉस ओमेगा टी. लवली, ब्रैकेट में क्या लिखूं? A1 sin delta 1 plus A2 sin delta. देखो ना यहाँ पे ये बचा हुआ लिखेंगे ना, ये और ये, और इसके बाद लोगों में कितना समय बचा है अभी?